नमस्कार दोस्तों, आरबी शाला में आपका स्वागत है। आज हम उन लोगों के बारे में जानकारी देंगे जिनके सिर पे बाल कम हो गए हैं या बाल झड़ने की समस्या है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। जिन्हें गंजेपन की समस्या है, आज उनके रोगों के बारे में उन्हें बताएंगे और ये बताएंगे कि कौन सी दवाई का इस्तेमाल करके वो अपने बालों को दोबारा से उगा सकते हैं। तो आपको पहले ये बता दें कि गंजेपन की ये समस्या कैसे होती है और फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, गंजापन और बाल झड़ने के कई कारण होते हैं। जो मानसिक रूप से अधिक कार्य करते हैं या दिमाग का कार्य करते हैं, उनके बाल अधिकतर उड़ जाते हैं। एक पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके बाल उड़ते चले आ रहे हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों के भी साथ ऐसा हो सकता है कि उनके बाल भी उड़ जाएं। भोजन में विटामिन की कमी रहने से भी बाल अधिकतर उड़ जाते हैं और उनके बाल भी उड़ जाते हैं जिनको बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगता है और जिनके खून में कुछ खराबी होती है, जिसे रक्त विकार भी कहते हैं। तो इस कारण भी अधिकतर लोगों के बाल उड़ जाते हैं। जिनके सिर में अधिकतर दर्द बना रहता है या रूसी रहती है, तो उनके बाल भी अधिकतर उड़ जाते हैं। कंघी या सिर की मालिश करते समय बाल टूट रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे सिर में बाल नहीं के बराबर रह जाते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया कि किन कारणों की वजह से बाल उड़ जाते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनकी वजह से हमारे बाल सिर पर नहीं रह पाते हैं। तो आइए आज हम आपको वह दवाई बताते हैं जिनसे आप अपने बाल दोबारा से उगा सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है आम का अचार लीजिए, एक साल से पुराना, और उसके तेल को आप अपने सिर पर लगातार लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं, गंजेपन की समस्या ठीक हो जाती है। आप पके हुए केले को अच्छी तरह से पीस लीजिए, उसमें नींबू का रस मिला लीजिए। उसमें रस मिलाने के बाद अगर लगातार आप अपने सिर पर लगाते हैं इस लेप को, तो आपकी गंजेपन की समस्या ठीक हो जाएगी। और पत्ता गोभी के रस को आप लगातार कम से कम 2 महीने तक अपने सिर में लगाते हैं, तो इससे भी गंजेपन का रोग ठीक हो जाता है। और फिटकरी और छड़ेला 5-5 ग्राम की मात्रा में लीजिए और पानी में अच्छी तरह से उसे पीस लीजिए। आप उसका लगातार अपने सिर पर लगाते हैं तो गंजेपन की समस्या इससे भी ठीक हो जाती है। आप एक और उपाय कर सकते हैं, अरंडी का तेल लीजिए और उसमें हल्दी डाल दीजिए और उसे अच्छी तरह से जला दीजिए। उसमें जलाने के बाद उस तेल को छान लीजिए और उसमें कपूर मिला लीजिए। कपूर मिलाने के बाद उस तेल को आप अपने सिर में लगाते हैं तो आपके सिर पे दोबारा से बाल आ जाएंगे। और जिनके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं, वह लोग 5 ग्राम गोरखमुंडी का चूर्ण अगर रोज सुबह को लेते हैं तो उनके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और जिसके सिर में दाद हैं, चकते हैं और जिनके अधिक बाल झड़ रहे हैं, आप इसके लिए काली मिर्च लीजिए, नमक लीजिए और प्याज का गूदा ले लीजिए, अच्छी तरह से उसे पीस लीजिए। तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर उस लेप को अपने दाद के ऊपर लगाइए, सिर में लगाइए, दाद भी ठीक हो जाएंगे और जो बाल झड़ने की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएंगे। आपको मेथी दाने के उपाय के बारे में बताते हैं। मेथी दाना लीजिए और उसे अच्छी तरह से पानी में पीस लीजिए, उस लेप को अपने सिर में लगाइए। एक तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, अगर कहीं से बाल उड़ गए हैं तो वहाँ दोबारा से बाल आ जाएंगे। एक और उपाय आपको बता रहे हैं, हार श्रृंगार के बीज लीजिए। हार श्रृंगार के बीजों को पानी में अच्छी तरह से पीस कर आप अपने सिर पर लगाते हैं, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग करंज के फूलों को पीस कर अपने सिर पर लगाते हैं, पीसने के बाद अपने सिर पर लगाइए करंज के फूलों को और उसे रात को पूरे सिर पर लगा के रखिए और सुबह को नींबू के रस से उसे साफ कर लीजिए। इससे आपके बाल बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। और रोजमरी का एक तेल आता है, रोजमरी के तेल को हम अपने सिर पर लगातार लगाते हैं तो हमारे सिर पर से जो बाल उड़ गए हैं वे दोबारा से उगने शुरू हो जाते हैं। आपको अमरबेल के बारे में बताते हैं। अमरबेल का रस लीजिए, उसके रस को आप अपने सिर पर लगातार 3-4 महीने तक लगाते हैं तो आपके सिर पर दोबारा से बाल आने शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय उनके लिए है जिनके बाल सफ़ेद हैं और वो अपने बालों को काला करना चाहते हैं, या जिनके बाल कम हैं वे अपने बालों को दोबारा से उगाना चाहते हैं। आप इसके लिए 2 ग्राम अनंत मूल की जड़ लीजिए और उसे रोज़ सुबह को आप खाते हैं तो आपके सिर पर नए बाल भी आएंगे और जो आपके सफ़ेद बाल हैं वे काले होने शुरू हो जाएंगे। एक और उपाय आपको बता रहे हैं, चुकंदर के पत्ते लीजिए। चुकंदर के पत्तों का रस आप अपने सिर में लगातार लगाते हैं तो गंजेपन की समस्या दूर हो जाती है, नए बाल आने दोबारा से शुरू हो जाते हैं। आपको लहसुन के बारे में एक उपाय बता रहे हैं।
लहसुन के रस को लीजिए, कम से कम 90 दिन तक उसे लगातार अपने सिर में लगाइए। आपकी गंजेपन की समस्या दूर हो जाएगी, आपके नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज हमने आपको गंजेपन की समस्या के बारे में बताया है। अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।